ओम शांति। 22 नंबर के रजिस्टर में 7 पेज पर 3389 का प्रातः क्लास। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कैसे बच्चों को समझाते हैं? रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। और दे अभिमानी बच्चे बैठे हों तो उनको नहीं समझाते हैं। अगर दे अभिमानी बच्चे होंगे तो समझेंगे नहीं। बच्चे जानते हैं। कौन से बच्चे? रूहानी बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। और कोई समझा नहीं सकता। अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा नहीं सकता। क्यों? अपवित्र वापस क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जहाँ जाना होता है वैसा ही देश, जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। तो बताया कि अपवित्र कोई वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वो है पवित्र से पवित्र धाम। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। भले 63 जन्म बुलाया और तब नहीं आया, लेकिन जब समय आया तो स्वतः ही आ गया। मतलब कि बाबा बुलाने से नहीं आते। ये बाबा की पधरामने की पहचान बताई क्या? कि बाबा कभी आवाहन करने से या बुलाने से नहीं आता है। जब आना होता है तो अचानक ही आते हैं। क्यों? 63 जन्म बुलाया, इतना मान मर्तबा दिया, तब क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रूहानी बाप है। रूहानी स्टेज में मान मर्तबे की दरकार नहीं होती। मनुष्य सब मान मर्तबे वाले होते हैं, सब मान मर्तबा चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य होते हैं देह अभिमानी। तो मनुष्य आत्माएं जो भी हैं, वो मान मर्तबा चाहती हैं। आवाहन किया जाए, निमंत्रण दिया जाए, तब आवे। बाकी बाबा तो स्वतः ही आते हैं। तो बाप अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है। क्योंकि वापस जाना है इसलिए पतित से पावन बनना है। अगर वापस न जाना होता तो पतित से पावन बनने की भी दरकार नहीं। अगर पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। डबल नुकसान, एक तो सजा की सजा खाए और दूसरा पदवी भ्रष्ट हो जाए। दुनिया में भी ऐसा होता है क्या कि जो सजा याफ्ता होते हैं उनको ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती? तो देखो इतना फर्क है। जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां भी राव और रंक बनते। कहा? चतुर्ग में भी राव और रंक की बात है। पर कहां की बात है? जो संगमयुगी स्वर्ग आने वाला है उस संगमयुगी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रारब्ध की तरफ ही बाबा लक्ष्य देते हैं। बाबा ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं, कम प्राप्ति वाला लक्ष्य नहीं। वो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य, वो ऊंचे से ऊंची प्रारब्ध जो डायरेक्ट बात से प्राप्त होती है। सत्युग में राधा कृष्ण को जो प्रारब्ध प्राप्त होगी वो डायरेक्ट बाप से प्राप्त नहीं होगी। किससे प्राप्त होगी? देवताओं से प्राप्त होगी। तो राव और रंक की बात कहाँ की हुई? संगमयुगी स्वर्ग की बात है कि वहां ऐसे भी होंगे जो राव होंगे और फिर रंक भी होंगे। माना किस प्रकार के रंग? स्थूल धन के नहीं, ज्ञान धन के रंग होंगे और ज्ञान धन के राजा भी होंगे। सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। सारा मदार यहाँ के पुरुषार्थ पर। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे,
तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित ही पावन को बुलाते हैं, ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता था। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान अब बनना है। तो अब सतो प्रधान कैसे बने, ये भी सीढ़ी पर समझाया। सीढ़ी पर क्या बात खास समझाई गई है? कि सतो प्रधान कैसे बने और तमो प्रधान कैसे बने, सीढ़ी नीचे कैसे उतरे और सीढ़ी में जो फर्स्ट सीढ़ी है उस पर कैसे चढ़े, कितना टाइम लगा चढ़ने में और कितना टाइम लगा उतरने में और क्यों लगा, कैसे का क्या जवाब हुआ? सत्व प्रधान कैसे बने, एक की याद करने से सत्व प्रधान बने और एक जन्म में ही सत्व प्रधान बन जाना होता है, और तमो प्रधान कैसे बने, अनेकों के संसर्ग संपर्क में आने से तमो प्रधान बने, लेकिन उतरना धीरे धीरे होता है तो पता नहीं चलता कि हम नीचे उतर रहे हैं। तो ये सीढ़ी पर समझाया हुआ है, इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल और सब हद के स्कूल क्यों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं दुनिया में, उनको हद का क्यों बता दिया, क्योंकि उनमें दुनिया के सब मनुष्य मात्र के लिए शिक्षा नहीं है, और ये जो बाप का स्कूल है उसमें दुनिया के सब मनुष्य मात्र को पढ़ाई पढ़नी है। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वो बच्चे उछलते नहीं है, माना इस बात में उछलना, ईश्वरीय सेवा में उछाल नहीं खाते जिनका रजिस्टर खराब रहता है, वो सर्विस की बजाय क्या करेंगे, डिससर्विस करेंगे। तो बजाय उछाल खाने के हाई जंप मारने के क्या जाएं, कहां क्या जाएंगे, गड्ढे में जाएंगे, नीचे जाएंगे, उछल नहीं सकते। तो सारा मदार है पढ़ाई पर और योग पर, ज्ञान और योग, और फिर दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, दुनिया नहीं जानती, बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे और अब हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। ब्राह्मण वर्ण के किस लिए बने हैं? ब्राह्मण वर्ण के बने हैं बाप से पढ़ाई पढ़ने पर देवताई वर्षा लेने के लिए। डबल मशीनरी हो गई, पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना, फिर ब्राह्मण से देवता बनना। ये देवता बनने की पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं सकता सिवाय एक बाप के। बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े, ये कंपल्शन क्यों? हाँ, क्योंकि एक ही शरीर में दोनों हैं। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये नशा भी चढ़ जाए, भूल जाते हो तो ये नशा नहीं चढ़ता है,
कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। ब्राह्मण कुल के बने तब फिर देवता कुल के बनेंगे। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ही नहीं बने हैं तब तक देवता देवता बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। अब ब्राह्मण कुल किसने बनाया और देवता कुल किसने बनाया? ब्राह्मण कुल बना या नहीं बना? ब्राह्मण कुल बना। और देवता कुल बना या नहीं बना? देवता कुल नहीं बना। बल शिव बाबा कहते हैं मैं तीन धर्मों की स्थापना करने आता हूं, देवता क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण धर्म की तो रचना हुई, शूद्रों से ब्राह्मण बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पवित्रता का विरुद्ध धारण किया है तो ब्राह्मण बने। जो पवित्रता का विरुद्ध धारण नहीं करते, प्रतिज्ञा नहीं करते और उस प्रतिज्ञा को कुछ न कुछ निभाते नहीं है, चलो दो चार दिन के लिए भी जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को निभाया, पक्का निश्चय बैठ गया कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहां योग बल से संतान पैदा होती है। तो ऐसी पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले भी ब्राह्मण बन जाते हैं। और वो जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवतापन की लिस्ट में आते हैं। तो ब्राह्मण किसने बनाया, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है, विष्णु की औलाद वैष्णव एक मात्रा बढ़ी, शिव की औलाद शिव के फॉलोअर्स शैव, जिनकी औलाद जैन, ऐसे ही ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कुल बनाने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। देवता बनाने के लिए भी ब्रह्मा चाहिए, लेकिन देवता ब्रह्मा नहीं बनाता। मनुष्य से देवता बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। वो जब तक ना आए प्रैक्टिकल रूप धारण करके तब तक मनुष्य से देवता कोई बना ही नहीं सकता। ये मनुष्यों का काम नहीं है मनुष्यों को देवता बनाना। बल ब्रह्मा मनुष्य है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है। रचने वाला देवताओं को ब्रह्मा नहीं है, देवताओं को रचने वाला परमपिता परमात्मा तो है। डॉक्टर को रचने वाला डॉक्टर चाहिए, वकील को रचने वाला वकील चाहिए और देवता को बनाने वाला देवता चाहिए। तो जरूर जो देव देव महादेव कहा जाता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता कहा जाता है, तो जरूर सबसे पहले उसकी रचना होती होगी। देवताओं को बनाने से पहले 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 किसकी रचना होगी? महादेव की। क्योंकि देवताएं होते हैं निर्विकारी, विकारों में मुख्य विकार होता है काम विकार, और काम विकार के ऊपर सबसे पहले जीत पहनने वाला कोई होना चाहिए, जो खुद जीत पहने, दूरबाज खुशबाज होकर के नहीं। ये तो सन्यासी भी किया, वो तो अल्पकाल की सिद्धि है। संसर्ग संपर्क में रहते हुए भी और सदाकाल के संसर्ग संपर्क में रहते हुए भी विकारों पर विजय प्राप्त करना, और ऐसी स्टेज यादगार एक परमपिता परमात्मा की ही मंदिरों में दिखाई जाती है।
दूसरी कोई ऐसी यादगार नहीं है किसी देवता की। इंद्रियों की पूजा होती है, जिन इंद्रियों से कर्म किया है बाप की याद में रहकर वो देवताओं की वो इंद्रियां पूजी जाती है, लेकिन बाप जैसी पूजा और किसी देवता की नहीं होती है। कारण कि बाप एवर प्योर पने का पार्ट बजाता है। एवर प्योर का मतलब ये नहीं कि बिंदु है तो एवर प्योर हो गया, प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। और देवताएं हैं प्योर और परमात्मा पार्ट है एवर प्योर, प्रूफ क्या होगा? और सबको संग का रंग कुछ न कुछ लगता है, नीचे गिरते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सब पतन के गर्त में जाते हैं संग के रंग में आते आते। लेकिन एक परमात्मा पार्ट ही ऐसा पार्ट है जो ऐसे स्वरूप में प्रवेश करता है, जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, माना अविनाशी पार्ट है, अविनाशी पार्ट धारी है। और देवताओं का कुछ न कुछ टाइम ऑलराउंड पार्ट में से कट हो जाएगा, लेकिन उसका कट नहीं होता। तो ऐसे अविनाशी स्वरूप में सुप्रीम सोल बाप शिव जब प्रवेश करते हैं तो निश्चय बुद्धि विजयंती, इस बात पर विजयंती, सबसे पहले है काम विकार। काम जीते जगत जीत, काम को जीता तो जगत को जीता। तो पहले इस बात पर जीत पहनाते जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तत्व प्रधान भी सृष्टि होती है और तमो प्रधान भी सृष्टि होती है। तत्व प्रधान कामना से तत्व प्रधान सृष्टि और तमो प्रधान कामना से तमो प्रधान सृष्टि। तो ब्राह्मणों को देवता बनाने वाला कौन चाहिए? पहले कौन चाहिए? देवता चाहिए। देवता होगा तो देवताओं की रचना करेगा। भगवान होगा तो क्या बनाएगा? भगवान भगवती बनाएगा। लेकिन बाबा मुरली में बोलते हैं ये भी रंग है, भगवान के साथ कोई भगवती होती नहीं है। भगवान तो एक है, गॉड इज वन। लेकिन फिर ये भी बता दिया गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कोई भी बाप हो, उस बाप का पहला बच्चा तो एक ही होगा जिसमें प्योरिटी की सबसे ज्यादा पावर समाई हुई हो। बाद वाले जो बच्चे पैदा होते हो तो कम प्योरिटी की पावर से जन्म लेते हैं। तो जो पहला बच्चा होता है वो जो पावरफुल होता है उसी को राजाई दी जाती है। तो ऐसे ही गॉड फादर इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। किस आधार पर? क्योंकि परमात्मा बाप सबसे पहले उस बच्चे से ही संपर्क जुड़ता है, पहले उसमें ही प्रवेश करता है। और भी बच्चे हैं जिनमें प्रवेश करके बाप सर्विस करते हैं, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है जो आज से लेकर के अंत तक रहता है। इसलिए जो बड़ा बच्चा है वो बाप समान कहा जाता है। बड़े भाई को बाप समान कहते हैं। तो पहले परमात्मा बाप जिस स्वरूप में प्रवेश करते हैं ये जिम्मेवारी हो जाती है कि पहले वो पतित से पावन बने, पतित मनुष्य से पावन देवता बने, तब देवता कुल की रचना हो, नहीं तो देवता कुल की रचना हो नहीं सकती। और इसका प्रूफ क्या होगा?
इस बात का क्या प्रूफ होगा कि वो पतित बच्चा जो बड़ा बच्चा है परमात्मा बाप का, वो पावन बन चुका। प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। जो पावन बनता है तो पतितों को माथा टेकना पड़ता है। पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिरों में जाकर के माथा टेकते हैं। ये शूटिंग कहाँ होती है? है? इसी संगम युग पर ये शूटिंग होती है। जो पतित बुद्धि हैं, उन पतित बुद्धियों को पावन बुद्धि के सामने जाकर माथा झुकाना जरूर पड़े। तो इससे साबित हो जाता है क्या कि पतितों को पावन के पास जाना पड़े। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। तो ब्राह्मण कुल किसने बनाया और देवता कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूँ। ब्राह्मण की ये डायनेस्टी नहीं है। डायनेस्टी राजाओं की चलती है, देवताओं की होती है। ब्राह्मण तो सेवाधारी है। ब्राह्मणों को सेवा करनी है, किसी के ऊपर डायरेक्शन नहीं चलाना है, किसी के ऊपर शासन नहीं चलाना है। अगर यहाँ शासन कर लेंगे ब्राह्मण तो वहां क्या बनना पड़ेगा? जिनके ऊपर यहाँ शासन करेंगे वो वहां जाकर के सेवा करनी पड़ेगी। तो ज्ञान उल्टा ना बैठ जाए कि हमको यही राजाई मिल गई। नहीं, यहाँ किसी पर हुक्म नहीं चलाना। किसी से अगर कोई ईश्वरीय सेवा का कार्य लेना भी है तो हुक्म देकर नहीं, डायरेक्शन देकर नहीं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं मानता है तो खुद करने लग पड़ना चाहिए। जब हम खुद करेंगे तो हमें देखकर दूसरा जरूर करेगा। तो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है, ब्राह्मणों की कोई राजाई नहीं होती है। ये ब्राह्मण छोटा सा कुल है। अपने को आप ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अगर ब्राह्मण नहीं समझा तो देवता भी नहीं बनेंगे। छोटा सा कुल क्यों बताया? ब्राह्मणों का कुल छोटा सा क्यों बताया? क्योंकि ब्राह्मण वास्तव में बनते ही हैं 16,108। वो ही पवित्रता का विरोध धारण करने वाले हैं जो ब्राह्मण से पहले पहले देवता बनते हैं। जो पवित्रता का विरोध धारण नहीं करते वो पक्के राजयोगी नहीं कहे जाएंगे। इसमें राज भरा हुआ है योग का। योग माने लगन, लगाओ, संबंध है। तो सर्व संबंधों की रचना का जो गुप्त रहस्य है, उस गुप्त रहस्य को समझने वाली सिर्फ कितनी आत्माएं हैं संसार में? 16,108। जिन्होंने परमात्मा बाप से गुप्त संबंध जोड़ करके गोप गोपी का टाइटल लिया, बाकी दुनिया की आत्माएं उस संबंध को नहीं समझ पाएंगी। तो ये छोटा सा कुल है ब्राह्मणों का। देवता बनेंगे अपने धंधे में लग जाने से हम सब कुछ भूल जाते हैं।
माना अगर हम दुनियावी धंधे में लग जाएंगे, अपने धंधे में, स्वार्थ के धंधे में, तो देवतापना भी भूल जाएगा और ब्राह्मणपना भी भूल जाएगा। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है तो काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है एक तरफ और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमको ये बताते बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। बस यही मनमना भव है। कोई को टेव पड़ जाती है, कोई को ये टेव नहीं पड़ती है। कौन सी? मनमना भव की टेव कोई को पड़ जाती, कोई को अभ्यास पक्का हो जाता है कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, और जिनको टेव नहीं पड़ती है, अभ्यास पक्का नहीं होता है, तो यहाँ इसी जीवन में वो लक्ष्मी नारायण जैसे नहीं बन सकते। बैज का चित्र बहुत अच्छा क्यों बताया? चित्र अच्छा वो जो छोटा सा भी हो और काम मोटा सा करे। हमारी कोई जड़ चित्र की बात नहीं है, जड़ बैज की बात नहीं है। ऐसा बैज नहीं है जिसको हम पॉकेट में बाहर लटकाए फिरें। हमारा दिखावे का ज्ञान ही नहीं है, ये तो बुद्ध रूपी पॉकेट में 3 मूर्तियां कौन सी हैं जिनका नाम बाला संसार में करना है, झंडा बुलंद करना है। वो 3 मूर्तियां हमारी बुद्ध रूपी पॉकेट में अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए। ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट वर्तमान में कौन सा है जिसके द्वारा ब्राह्मण सो देवता बनते हैं? ब्राह्मणों को भी देवता बनाया जाता है, बनाने वाला बनाता है। 22 नंबर के रजिस्टर में 3389 का प्रातः क्लास चल रहा था, रजिस्टर का 7वां पेज अर्थात पहले पेज का मध्यांक बात चल रही थी बैज की, जो बैज बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा रहना चाहिए ताकि पता रहे कि ब्रह्मा का पार्ट कौन सा है जो देवता धर्म की स्थापना करने वाला है, और विष्णु का पार्ट कौन सा है, और शंकर का पार्ट कौन सा है। ये पार्टधारी कौन कौन है, कहाँ है, कैसे पार्ट बजाए रहे हैं, ये पूरी जानकारी बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ी हुई है। तो जिनको ये अच्छा ज्ञान होगा त्रिमूर्ति का, तो उनकी बुद्धि में लक्ष्य भी जल्दी बैठ जाएगा कि हमको क्या बनना है और कहाँ बनना है, इसी जन्म में बनना है या अगले जन्म में बनना है, ये पक्का निश्चय बुद्धि में होगा। जो स्वयं निश्चय बुद्धि होंगे वो दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बना सकेंगे। तो ये मनमना भव है, कोई को टेव पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो पूरी हुई, अब तो बाप को याद करना है। अब देहद का बाप तुमको देहद का वर्षा देते, क्या बाकी दुनिया में सब हैं हद के बाप, और देहद का बाप एक ही है जो हमको बेहद का वर्षा देते।
दादा लेखराज के द्वारा जो पाठ चला वो बाप का पाठ नहीं। तो जब बाप का पाठ ही नहीं है तो बेहद का वर्षा मिलने का सवाल ही नहीं। अगर कोई ये समझे बैठे हैं कि हमको ब्रह्मा बाप के द्वारा बेहद का वर्षा मिल गया तो ये उनकी भूल है, क्योंकि महल माणियों आचार्यों का वर्षा बाप आकर के नहीं देते, ईंटों के सुखधाम और शांति धाम का वर्षा बाप आकर के नहीं देते, या अच्छे अच्छे म्यूजियम या सेंटरों का वर्षा बाप आकर के नहीं देते। ये सब है हद के वर्षे। बाप क्या देते हैं? बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, जिसमें कोई हद नहीं डाली जा सकती कि हमारे सेंटर पर नहीं आना, उस सेंटर पर नहीं जाना, इस तरह की कोई हदें उस वर्षे में नहीं होंगी। सारा विश्व हमारा होगा और सारी दुनिया हमारी होगी, सारा आकाश हमारा होगा और सारी धरती हमारी होगी। तो बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम लगती है तो बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में ये अक्षर हैं, मन मना भव। आदि में भी मन मना भव और अंत में भी मन मना भव। आदि में भी यज्ञ में ये पाठ चला, क्या मेरे मन में समा जा, माना जो मेरी इच्छा है वही तेरी इच्छा हो, जो मेरा संकल्प है, जो बाप का संकल्प हो बच्चे का संकल्प, संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं। तो ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है जो यज्ञ के आदि में चला था। उस समय भी यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी स्थापना के साथ साथ, और अब भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला जो आदि में प्रज्वलित हुई थी वो अब संपन्न होनी है। स्थापना भी पूरी होगी तो विनाश भी पूरा होगा, लेकिन गलती से सिर्फ प्रश्न का नाम डाल दिया। ज्ञान यज्ञ की आदि शुरुआत भी परमात्मा शिव के पार्ट से हुई थी। परमात्मा शिव है निराकार, निराकारी स्टेज में रहकर पार्ट बजाने वाला, एक होती है साकारी स्टेज। वो चित्र से ही चरित्र देखने में आता है कि साकारी है या निराकारी। बाप होता है निराकारी और माता होती है साकारी। जितने भी धर्म पिता हैं वो सब निराकारी स्टेज में दिखाए जाते हैं। महात्मा बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, उनके चेहरे को देखने से ही पता चलता है कि आत्मा जैसे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, निराकारी स्टेज में परम धाम में जैसे बैठी हुई है। परंतु ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा। क्यों निराकारी स्टेज का ब्रह्मा का फोटो क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा का पार्ट बाप का पार्ट नहीं, वो माता का पार्ट है। तो गलती से ज्ञान यज्ञ जो है उसका कर्ता धर्ता कृष्ण को मान लिया। कृष्ण अथवा ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ का कर्ता धर्ता नहीं है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वो सब इस समय के। भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया? ये भूल कहां से हुई भक्ति मार्ग में? इसका भी फाउंडेशन ब्राह्मणों की संग विधि दुनिया में पड़ता है। ब्राह्मण ये भूल करते हैं कि बाप कर्ता धर्ता की जगह बच्चे का नाम डाल दिया जाता है। ब्रह्मा भी बाप का बच्चा है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का बांध छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहां तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं,
कि अब देह का भान छोड़ दो। अगर देह का भान नहीं छोड़ेंगे तो देह का भान रहने के कारण देहधारी का लगाव किससे लगेगा? देहधारी से लगेगा, निराकार से लगाव नहीं लग सकता। तो बाप आते हैं और आते ही ये शिक्षा देते हैं कि तुम आत्मा, ये निश्चय है कि देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है और कोई नहीं है जो देवी देवता धर्म की स्थापना में मददगार बन सके। और कोई मानस? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कोई भी ब्राह्मण देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना में मददगार नहीं बन सकेंगे। वो बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं ले सकेंगे, सतयुग के सेकंड बर्थ का वर्षा ले सकते हैं, पौने 16 साल देवता बन सकते हैं, लेकिन संपूर्ण देवताई धर्म की स्थापना सिवाय हमारे और कोई दूसरा नहीं कर सकता। राजधानी भी स्थापन हो रही है क्योंकि और जो धर्म स्थापन करते हैं वो राजधानी नहीं स्थापन करते। राजधानी में पहले तो चाहिए राजा और रानी, महाराजा और महारानी चाहिए। अगर महाराजा और महारानी ही डिक्लेयर नहीं हुए तो नहीं कहा जा सकता कि राजधानी स्थापन हुई। राजधानी स्थापन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? महाराजा और महारानी डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये हम ब्राह्मणों के द्वारा ही होना है। हम जानते हैं कि महाराजा और महारानी कौन बनने वाले हैं। हम बच्चों के अंदर ये डिक्लेरेशन हो चुका है क्या कि महाराजा कौन बनने वाला है और महारानी कौन बनने वाली है? तो पहले तो मन बुद्धि में ही डिक्लेरेशन होगा, बाद में प्रैक्टिकल में भी होता है। दूसरे धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। अपना अपना धर्म स्थापन किया और चले गए, लेकिन बाप के पास की ये विशेषता है कि वो राजा ही भी स्थापन करता है, राजधानी भी स्थापन करता है और पुराने धर्मों का और पुराने राज्यों का विनाश भी कराता है। पुरानी धर्म सत्ताओं का, पुरानी राज सत्ताओं का और राज सत्ताधीशों का, धर्म सत्ताधीशों का सफाया हो जाता। वो धर्म सत्ताधीश और राज्य सत्ताधीश उस परमात्मा बाप का डायरेक्ट मुकाबला कर नहीं सकते क्योंकि इतनी पावर नहीं है। अगर उनमें पावर होती तो धर्म स्थापना के साथ साथ पुराने धर्मों का विनाश भी कराते, पुरानी मान्यताओं का विनाश भी कराते, लेकिन ये पावरफुल का काम है, सर्वशक्तिवान बाप का काम है, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है कि पुरानी मान्यताओं का विनाश कराए और नई एक मान्यता की स्थापना करे। पुराने राज्य का, पुराने धर्म का विनाश करना ये सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। हमारी कोई स्थूल लड़ाई नहीं है। मान लो कोई जबरदस्ती आकर के हमसे स्थूल लड़ाई, बाहुबल की लड़ाई लड़ता भी है तो हम नहीं लड़ेंगे। हम क्या समझेंगे? हमारा ये पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है? क्योंकि हम भी पूर्व जन्मों में राजा बनकर के रहे हैं ना, तो राजाओं ने तो राजा बनकर के पता नहीं कितने अत्याचार किए, कितने कितने कहर ढाए हैं। तो वो हिसाब किताब चूली से कांटा बनकर के यहाँ पूरा हो जाता है।
मान लो कोई हमको धक्का दे देता है सत्संग में, हम सत्संग कहें कि हम सत्संग करने जाते हैं और उन्होंने लात मार के निकाल दिया, तो हम कोई बैठ करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम क्या समझेंगे ज्ञान की दृष्टि से कि हमारा कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जो अब पूरा हो गया, क्योंकि पूर्व जन्मों में राजाएं मनमानी करते थे, गलती हो या न हो बस आ गया जुनून तो राज्य से बाहर निकाल दिया। तो जिन्होंने वहां राज्य से बाहर निकाला वो ही राजा बनने वाली आत्माएं जब परमात्मा बाप के बच्चे बनते हैं तो हिसाब किताब तो पूरा होगा लेकिन सूली से कांटा हो जाएगा। उन्होंने अपने राज्य से बाहर निकाला और वो अपने सत्संग के छोटे से दायरे से बाहर निकाल तो सकते हैं ना, उनका जो दायरा है उसने से उन्होंने बाहर निकाला, राजाओं का जो दायरा था उसने से राजाओं ने बाहर निकाला, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। तो हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं, हमें लड़ाई करनी नहीं, हमारा तो धर्म युद्ध है। कैसा युद्ध है? धर्म का युद्ध। ये बाहुबल का युद्ध ये तो हो गया अधर्म युद्ध, ये कोई आत्मा की धारणा नहीं है बाहुबल चलाना, ये तो जानवरों का काम है। जानवर कोई रूहानियत की स्टेज में नहीं टिकेंगे, जानवर क्या करेंगे? जानवरों का काम है सींग मारना। तो जो जानवर बुद्धि होंगे आत्मिक स्टेज वाले नहीं होंगे वो तो सींग मारेंगे और सींग मरवाएंगे। हमारा ये धंधा नहीं है सींग। अब पवित्रता सिखाते हैं, जो पवित्रता अब सीख रहे हैं, धारण करते हैं जो पवित्रता की पावर, वो आधा कल्प हमारी कायम रहेगी। वहां रावण राज्य नहीं होगा, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, ये तुम जानते हो। हम हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन जैसे की थी वैसे ही अब कर रहे। यज्ञ के आदि में भी ये राजधानी हमने स्थापन की थी, कहां ये टेम्पल कहां तैयार हुआ था? सिंध हैदराबाद में नहीं, कराची। एक की ही धर्म सत्ता थी और एक का ही राज्य था, दुनिया वालों का चेहरा भी नहीं देखते थे, तो संघ का रंग किसका लगेगा? एक का ही लगेगा। तो एक ही एक था, ऐसी राजधानी वहां अखंड स्थापन हुई थी, वो तो था सैंपल। अब होगा प्रैक्टिकल, हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि पुरानी दुनिया के बीच ही बाप आकर के नई दुनिया का वर्षा देते हैं। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा। कहां? सतयुग में है सोना ही सोना होगा, मिट्टी नहीं होगी, जमीन होगी नहीं, सोना ही सोना होगा के मतलब सब सच्चा होगा। सोना माना सच्चाई, जो था तो फिर होगा, इसमें मुझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, ज्ञान में सोने की ईंटें देखी, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं देख सकते हो। यह है साक्षात्कार, बच्ची में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। साक्षात्कार तो करते थे लेकिन साक्षात्कार के रहस्य को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे बगैर हमको बेआरामी हो जाती है,
के लिए आया हुआ हूँ, तुमको ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। तुम बच्चों में से कोई भी बच्चा मेरे पास नहीं रहता है तो मेरे को बेआरामी हो जाती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बेआरामी माने बाप को आराम महसूस नहीं होता, बस जाऊं। अब बच्चे बहुत दुखी हैं, कहाँ जाऊं? बच्चों के पास, कब की बात है? परमधाम में कोई संकल्प उठता है क्या? परमधाम की बात नहीं है, इसलिए मुरली में बोला हुआ है तुम बच्चे परमधाम को भी इसी शक्ति पर उतार लेंगे। तो ऐसा एक मूल वतन हम बच्चों का यही इसी शक्ति पर तैयार होना है, जहां सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि लटकी हुई होगी, सारी दुनिया उस मूल वतन को याद कर रही होगी, जो साकार में ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा। तो पहले तो मन बुद्धि से ही जाना है ना, तो बाप को बेआरामी कब होती है बताया? कि तुम्हारे बिगर हमको बेआरामी हो जाती है, माने जब सब बच्चे इस दुनियादारी के चक्कर में फंसने लग पड़ते हैं, एक भी बच्चा अपनी आत्मिक स्टेज में नहीं रहता, यानी बाप के घर में नहीं रहता, मूल वतन की स्टेज में नहीं रहता, देवान में आ जाते हैं, सब राजकाज के चक्कर में आ जाते हैं। क्योंकि संगमी की दुनिया में भी तो राजकाज की शूटिंग होनी है ना, तीन पांडव भवन बनेंगे, एक पांडव भवन तो है ही जहाँ तपस्या भूमि का यादगार बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर, बात तो तपस्या भूमि हो गई। एक पांडव भवन स्वर्ग, जहाँ पवित्र आत्माओं का जखीरा इकट्ठा होगा, और तीसरा पांडव भवन वो जहाँ से विश्व की बादशाही का कंट्रोल होगा। तो एक ऐसा भी टाइम आता है कि तपस्या भूमि में कोई आत्मिक स्टेज में रहने वाला नहीं रहेगा, सब बच्चे बाप से बिछुड़ जाएंगे, सब देह अभिमान में आ जाएंगे, विश्व की बादशाही के चक्कर में बुद्धि चकराने लगेगी और दुखी भी हो जाएंगे। तो उस समय बाप को बेआरामी हो जाती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं। अब बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, अब बच्चों के पास जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस अब जाऊं। तो नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण का। अब विष्णु अवतरण कोई होता नहीं है, अवतरण माने ऊपर से नीचे उतरना, तो विष्णु कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है जो ऊपर से नीचे उतर के आएगा। गरुड़ पर सवार होकर आया, शास्त्रों में दिखाया चित्रों में। अब लक्ष्मी नारायण गरुड़ पक्षी पर सवार कैसे होंगे? सवारी भी किस पर? गरुड़ पंछी पर। गरुड़ क्या खाता है? सर्पों को खाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, इनकी यादगार सर्प दिखाए जाते हैं, पांच विकार रूपी सर्प। तो उन सर्पों को खाने वाला है गरुड़, और उस पर सवारी की विष्णु ने। तो गरुड़ पर सवार कैसे होंगे? दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म हो जाए होती जाती है, वो भी गरुड़ उड़ने वाला पंखी।
ऊंची स्टेज में उड़ने वाला और खाता है सांपों को, सांपों को खाने वाले के अंदर जहर भरेगा कि नहीं भरेगा, तो उस पर सवारी कौन करता है? विष्णु देवता। वैष्णो देवी कहो या विष्णु देवता कहो, उसकी सवारी है गरुड़ पर। और गरुड़ तो वो दिखाते हैं। हमारे भारत का राष्ट्रीय पंछी आज भी कौन सा है? मोर। मोर भी क्या खाता है? मोर भी सर्प को खा जाता है। वास्तव में गरुड़ जैसा पंछी उन्होंने सफेद बनाया हुआ है, ऐसा कोई पंछी होता नहीं है। ये तो सिर्फ शास्त्रों में दिखाई गई है बात। सफेद रंग निर्विकारी होने की सूचक है। तो मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ नहीं आता समझ में, आत्मा ही पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम का राज्य हो जाए, राम को जानते नहीं। माना गरुड़ का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी हुई है? यहाँ अभी बताया मनुष्यों की बुद्धि में कुछ है नहीं। वो समझते हैं गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु आया, तो गरुड़ पर सवार होकर नहीं आया तो किस पर सवार होकर आया? जरूर कोई मनुष्य आत्मा का ऐसा पार्ट है जो संसार में से सर्पों को खलास करने वाली है, अधर्मों को खलास करने वाली है, जो कुशासन करने वाले हैं, दुष्ट राजाएं, उनका पत्ता साफ करने वाली है। तो बच्चे पावन बने तो राम राज्य हो, पावन बनते नहीं हैं तो राम का राज्य बुद्धि में बैठता नहीं, फिर किसके राज्य पर चलने लग पड़ते हैं? जब राम का राज्य बुद्धि में नहीं बैठता है तो जरूर रावण राज्य पंचायती राज्य के चक्कर में आ जाते हैं। कभी किसी की बात मानेंगे, कभी किसी की बात मानेंगे, क्योंकि राम को तो पहचानते नहीं, राम को जानते नहीं है। शिव की पूजा जो की जाती है उनको तो राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता। भक्ति में कोई रस नहीं है, तुमको तो अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने के लिए आया हुआ हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आते ही सुखधाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथ ही नहीं बनूंगा सुखधाम ले जाने के लिए। कौन नहीं बनेगा साथी? शिव बाप। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, तो सागर का अर्थ क्या हुआ? ये दुनिया क्या है? ये दुनिया है विषय सागर। इस विषय सागर में जो तूफान हिलोरें ले रहा है विकारों का, ऐसे सागर में भयंकरता के बीच पीपल के पत्ते की नवैया बनाई है। कोई बड़ा जहाज बनाया जाए तो डूबे भी नहीं। नवैया कौन सी बनाई? पीपल के पत्ते की। अब पीपल के पत्ते की नवैया, इतनी छोटी हल्की नवैया, वो कैसे टिकेगी? और उस पर दिखाते हैं कृष्ण बच्चा। अब बच्चा कितना भी छोटा हो, पीपल के पत्ते पे कैसे टिकेगा? वो तो बहुत हल्का होता है। तो अर्थ क्या हुआ? ये तो चित्रकारी की चित्रकारी है। जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला में रहस्य भर देते हैं। तत्व प्रधान बुद्धि थी तो उसके अर्थ को थोड़ा समझते भी थे, फिर बाद में जब तमो प्रधान हुए तो उन्होंने ऐसे ही समझ लिया कि कृष्ण कोई सागर में पीपल के पत्ते पर स्थूल रूप में आया होगा। अब कृष्ण कहां से आ जाएगा? तो बात ये सारी संगम युग की यादगार है। कृष्ण के रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्मा, वो स्वरूपधारी, जिस किसी व्यक्तित्व का अपना कार्य संपन्न करने के लिए आधार लेता है,
संसार सागर से पार उतरने का जिस बोट का आधार लेता है, जिस जीवन रूपी नैया का आधार लेता है, वो जीवन रूपी नैया ही वास्तव में पीपल का पत्ता दिखाई गई। पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा का झोंका चलता है और वो जोर से हिलता है। नहीं भी चलेगा तो भी पीपल का पत्ता कुछ न कुछ हिलता जरूर है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में ही एडवांस पार्टी में कोई न कोई ऐसी आत्मा है जो पीपल के पत्ते की तरह मन को दोलायमान करने वाली और उसे डोलते हुए पत्ते पर कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा आधार लेती है। इसलिए वो नवैया डोलेगी तो, लेकिन डूब नहीं सकती क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा ने आधार लिया हुआ। तो सागर हुआ विषय सागर, पीपल का पत्ता हुआ कोई कमजोर आत्मा जिसको फट से संग का रंग लगता हो, माया का प्रभाव लगता हो, और उसका आधार लेने वाली कृष्ण की आत्मा यानी कृष्ण का व्यक्तित्व, संग में भी कृष्ण, मानो ब्रह्मा की सोल जरूर किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है, जिसको बाबा ने बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो जरूर व्यक्तित्व एक ही है, अब उसको संगम भी कृष्ण कहें या शंकर कहें या प्रजापिता कहें या भविष्य में बनने वाला नारायण कहें, तो वो आधार लेता है अपना कार्य संचालन करने के लिए। कौन सा कार्य करना है? संसार सागर से, इस विषय सागर से पार जाना। तो अब सागर की तो बात ही नहीं, यानी स्थूल सागर की कोई बात नहीं है। वो बच्चा गर्भ में बड़े आराम से रहता है। गर्भ कौन सा है? स्थूल गर्भ। वो तो उन्होंने स्थूल गर्भ देखा दिया है चित्र में, वास्तव में है ये ज्ञान गर्भ। ज्ञान की ऐसी परिपक्व स्टेज बन जाती है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, वो बच्चा, कृष्ण बच्चा अपने को दुख में महसूस नहीं कर सकता। इसलिए उसको कहते हैं गर्भ महल। ऐसे तो ज्ञान में चलने वाले बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो दुखी ही दुखी नजर आते हैं, जहां जाएंगे वहां अपने दुखों का वर्णन करते रहेंगे, चेहरे से, उनके चलन से, उनकी वाणी से, उनकी दुखमयी स्टेज प्रत्यक्ष होती रहती है। तो उनको ज्ञान गर्भ महल में कहें या ज्ञान गर्भ जेल में पड़े हुए हैं, क्या कहा जाए? जरूर ज्ञान गर्भ जेल में पड़े हुए। तो कृष्ण बच्चे की स्थिति ऐसी भिन्न दिखाई गई है। वो गर्भ में तो है, माना गुप्त तो है दुनिया वालों की नजरों से, तथा कथित ब्राह्मणों की दुनिया की नजरों से,